नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज मैं अपने वीडियो में गुड़ की चाय बनाने वाली हूँ, जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो चलिए देख लेते हैं गुड़ की चाय के लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। गुड़ की चाय के लिए हमने 1 गिलास फुल क्रीम मिल्क लिया है, कद्दूकस की अदरक है, 5 लौंग है, गुड़ है जिसे हमने कद्दूकस कर लिया है, क्रश नहीं किए हैं, चाय पत्ती है, 2 हरी इलायची है। तो चलिए बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। गुड़ की चाय कैसे बनती है, हमने पैन को गैस पे रख दिया है, इसमें हम दूध डाल देते हैं, चाय पत्ती डाल दीजिए, अदरक डाल दीजिए, सारे अदरक डाल दिए हैं, और लौंग और इलायची को हम क्रश कर लेते हैं, कूट लेते हैं। आज को हमने मीडियम कर दिया है। आज को हम मीडियम ही रखे हैं, हमने क्रश करके डाल दिया है लौंग, 2 हरी इलायची है। आज को हम थोड़े से मीडियम कर देते हैं, ज़्यादा स्लो भी नहीं रखनी, ज़्यादा मीडियम भी नहीं रखनी है। वैसे तो चाय बनाने का सबका अपना अपना तरीका होता है, लेकिन गुड़ की चाय मैं अपने तरीके से बनाऊंगी, जो फटेगी भी नहीं और काफ़ी टेस्टी भी होती है। इसे डायबिटीज़ के पेशेंट भी ले सकते हैं, जो नुकसान भी नहीं करेगा। चलिए इसे उबाल लेते हैं अच्छी तरह से। एक बार पैन को मिला देते हैं आराम से, चाय आराम से करिएगा, नहीं चाय आपके हाथ पे भी आ सकते हैं। सर्दी का स्पेशल चाय माना जाता है, ठंडी में आप इस चाय को बना सकते हैं, काफ़ी हद तक आपको अच्छी लगती है गुड़ वाली चाय। आप अगर आपको सर्दी खांसी जुकाम है, आप गुड़ वाली चाय ज़रूर बनाइएगा, ज़रूर ट्राई करिएगा, आपको अच्छी लगेगी, काफ़ी हद तक आपको आराम मिलेगा। चाय में उबाल आने लगी है, आज को हमने मीडियम कर दिया है, क्योंकि चाय में हमें अच्छा सा कलर लाना है, इसलिए हमें मीडियम आंच पे इसे कुछ देर तक उबालना है, जब तक चाय में हमारी चाय पत्ती का अच्छा सा कलर ना आ जाए दूध में। इसे हमें तेज धीम करते हुए चाय को अच्छी तरह से उबालना है। गुड़ की चाय है इसलिए इसमें हमने पानी बिल्कुल मिक्स नहीं किया है, हमने सिर्फ इसमें दूध ही डाला है। आप गुड़ को कभी भी सीधा डायरेक्ट मत डालिए, नहीं तो आपकी चाय फट जाएगी। अभी हमने गुड़ नहीं डाला है, सिर्फ इसमें चाय पत्ती है, अदरक है, कुटी हुई लौंग और हरी इलायची है। हमें इसे अच्छी तरह से उबालना है, दूध हमारी अच्छी तरह से पक जाए और अच्छा सा कलर भी आ जाए। हमारे चाय में अच्छे से कलर आ गए हैं, किसी हमने स्लो आंच पे रख दिया था 1 मिनट के लगभग। अब इसे हमें इस तरह से करते हुए हमें इसे ग्लास में निकाल लेना है, छान लेना है चाय को। एक बार इसे हम फुल फ्लेम पे कर देते हैं, दूध हमारी अच्छी तरह से पक चुकी है, आज को हमने स्लो कर दिया है। अब हम गैस को ऑफ करके इसे एक ग्लास में छान लेते हैं। अभी हमने इसमें जैगरी नहीं मिक्स किया है, इस बात का ख्याल रखिए, गुड़ को कभी भी डायरेक्ट नहीं डालना है। हमें गैस को हमने ऑफ कर दिया है, अब इसे एक ग्लास में हम निकाल लेते हैं छान के। अब इस ग्लास में हम चाय को ट्रांसफर कर लेते हैं, छान लेते हैं। हमने छान लिया है, देखिए हमारी चाय कितनी अच्छी बनी है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अब पैन को एक साइड रखते हुए इसमें हमें जैगरी को मिक्स करना है, अपने हिसाब से आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा डालिए, हमने लेकिन चाय को मीडियम ही रखा है। अब इसे हम मिक्स कर दीजिए, जैगरी हमारी मिक्स हो जाए। आप इस तरह से गुड़ की चाय बनाइएगा, काफ़ी टेस्टी होती, काफ़ी अच्छी लगती है, फटेगी भी नहीं। हमारी जैगरी मिक्स हो चुकी है अच्छी तरह से चाय में, आप डायरेक्ट कभी भी नहीं डालिए। गुड़ की चाय सर्दी में बहुत ही अच्छी होती है और काफ़ी फायदेमंद होती है। आप हमारी रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा, गुड़ वाली चाय ज़रूर बनाइएगा और ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में हमें आपको चाय कैसी लगी है। अगर आपको गुड़ की चाय बनाने का तरीका आपको और अच्छी आती है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स के जरिए हमें ज़रूर शेयर करिएगा, ज़रूर बताइएगा। चलिए हम इसे एक प्याले में निकाल लेते हैं सर्व करने। हमने गुड़ वाली चाय को एक प्याले में निकाल दिया, सर्व करने के लिए रेडी है। आप इसे पी के इंजॉय कीजिएगा। आपको एक चाय कैसी लगे, आपको हमारी चाय गुड़ वाली चाय बनाने का तरीका आपको अच्छी लगी है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करिएगा। अगर अच्छी लगी है तो लाइक वाले बटन को ज़रूर टच करिएगा और कमेंट भी करिएगा, कमेंट के जरिए हमें ज़रूर बताइएगा आपको हमारी गुड़ वाली चाय कैसा लगा, कैसे लगा आपको ये तरीका हमारी गुड़ वाली चाय बनाने का। मैं ऐसी अच्छी अच्छी रेसिपी लेकर आती रहूँगी, तब तक आप हमारी वीडियो को देखते रहिएगा शुरू से लेकर एंड तक। तब तक के लिए बाय बाय।